जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार लोगों के आगे। अब आज हम बात कर रहे हैं जिस मोटिवेशन की, उसमें मैं आपको हिम्मत दूंगी ना कहने के लिए, नो कहने के लिए। बड़ी अजीब सी बात है कि नो कहने के लिए और ना कहने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है और वो नहीं होती। कई बार क्या होता है, कोई काम हमें पसंद नहीं होता लेकिन एक मुंह रखनी होती है, लेकिन किसी का लिहाज होता है, लेकिन किसी के प्रति आदर भावना होती है। कभी कभी होता है कि ये काम जाएगा तो दूसरा काम नहीं आएगा, इसलिए मजबूरी होती है। कभी कभी पैसे की मजबूरी होती है, कभी काम नहीं करने का मन होता है और फिर भी हम हाँ कहते हैं। कभी गलत काम होते हैं और हम हाँ कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी है, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी घर कर गई है कि अगर ये हमने नहीं किया तो वो शायद नाराज हो जाए, ये हमने नहीं किया तो शायद हमारा फ्यूचर बिगड़ जाए, ये हमने नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन हमारी अंतरात्मा बोल रही है कि ये काम नहीं करना है। अब ये काम नहीं करना है तो इसको नो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे कामिनी जी ऐसे तो बहुत बार होता है कि कई बार दिल करता है कि नो कह दें। ऐसे घरेलू हिंसा में भी होता है, मियां बीवी की रिलेशन में भी नो होता है कि अच्छा आपसे मैं पीड़ित हूं, ये नहीं होगा, ये रिलेशन पीड़ित रूप से नहीं चलेगा, ये जो बात होगी घर की, बच्चों के साथ कई बार ऐसी उलझनें होती हैं, उनको बोलना पड़ता है कि ये नहीं बाबा, इसके आगे नहीं। ऐसे ऑफिस में होता है, ऐसे व्यवहार में होता है, ऐसा दोस्ती में होता है, सब जगह कहीं ना कहीं पर नो लगाने की बहुत जरूरत होती है। एक जगह मैं काम करने के लिए जाती थी, उस लेडी ने वहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ था नो गट्स नो गेन्स, मतलब अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो आपको अपनी चॉइस क्या है अपने दिमाग में पता होती है। अगर आप जबरदस्ती कोई काम करते हो तो वो काम कभी सफल नहीं होता। आपको मन को जो काम अच्छा लगे, आपको जो काम स्किल से आता हो, बहुत अच्छा आता हो, और फिर वो काम करे तो रुचि से करते हैं आप, और फिर वो काम में आपका नाम हो जाता है, वो काम आपका आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पर जो आपको काम ऑफर हो रहा है, जो आपको नहीं करना है, तो आपको गट्स होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको ले चलूंगी मेडिटेशन पर। आप कहेंगे इसमें मेडिटेशन का क्या मतलब है? यहां पर आपको मैं मेडिटेट करने बोलूंगी दुर्गा माँ को। यहां पर मैं भगवती परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति की आराधना करने के लिए आपको कहूंगी, काली की आराधना आपको, भद्रकाली की आराधना आपको, महाकाली की आराधना करने के बाद जो बल मिलता, आप कहेंगे कि ये एक धर्म की बात हुई। यहां पर धर्मों की बात नहीं कर रही, मैं सृष्टि की बात कर रही हूं। एक तत्व है सृष्टि में जिसका नाम है मां भगवती, जिसका रूप है बहुत स्ट्रांग, जो अपने आप में 5000 राक्षसों को गिराया था जिन्होंने देवताओं के लिए। ऐसी जगदम्बा को बार बार ध्यान करने से और बार बार सोचने से आपके विचारों में वो तत्व आ जाता है सृष्टि से। सृष्टि का यही खेल है, आपको जो चाहिए उसके लिए आप सृष्टि को दीजिए संदेश, मुझे ये चाहिए, इसीलिए मैं इस तत्व रूपी भगवान की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे बल चाहिए, मुझे आत्मिक बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए मानसिक, और ऐसी मानसिक शक्ति आपको दुर्गा की आराधना करने पर आती है। इसमें आप पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती भी, उससे भी मानसिक बल आता है। चलिए अब वास्तु की तरफ आते हैं इसी टॉपिक को लेकर। आपके ईशान कोण में आप भगवती की आराधना कीजिए, भगवती को लगाइए, जगह जगह घर में लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगा सकते हैं भगवती को, और दिया जला दीजिए अखंड। तो ये हुआ आपका वास्तु का टिप। और जो दिया जलता है ना अखंड, उसकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है, और उससे क्या होता है, आपने सूर्य के तेज को एक दिए में भर के प्रकाशित कर दिया। आपके घर में वायु तो विराजमान था, आपके घर में धरती विराजमान थी, आकाश विराजमान था, जल तत्व विराजमान था, और आपके घर में आपने अग्नि तत्व को भी विराजमान कर दिया। तो पांचों तत्व जब विराजमान हो गए आपके घर में अखंड दिए के स्वरूप में, तो आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को शुद्धि करने लगे, निकालने लगे। घर के जितने बाशिंदे हैं
वो अपने आप पॉजिटिव होने लगे। मैं कामिनी खन्ना बात कर रही थी आपसे, आपको मोटिवेट कर रही थी। नो गट्स नो गेन्स, गट्स लाइए, जैसे मैंने बताया वैसे करके देखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।